बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर है जिसमें हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और फंक्शन डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम लोग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे, कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रोटोटाइप वाला टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे समराइज़ करें, कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अब बेसिकली फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर फॉर्म अ टास्क। फॉर एग्जांपल एक टास्क है जो डिफरेंट बंदे परफॉर्म करते हैं एट सेम पॉइंट। एट सेम पॉइंट ऐसे कह सकते हैं आप लोग, ऐसे कह सकते हैं कि आप लोग डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मिला कर क्या करते हैं, एक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल जैसे है कि हम लोगों के पास डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट मतलब बंदे हैं डिफरेंट गाम्स के लिए, कामों के लिए, मगर वो क्या करें, एक फॉर एग्जाम्पल रिफा में देख लें, रिफा में देखें वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर, सब कुछ हैं, तो वो है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, बट वो टास्क क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं कि रिफा का काम कर रहे हैं, मतलब रिफा को चला रहे हैं या रिफा की मैनेजमेंट चला रहे हैं, रिफा की टीचिंग स्टेटमेंट जो होती है, टीचिंग स्टाफ जो होता है वो चला रहा है कॉलेज पढ़ाई को, ठीक है। तो हर बंदे का काम डिफरेंट होता है बट काम वो एक ही कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एटलीस्ट वन फंक्शन होना चाहिए जिसको हम विच इज़ मेन, वैसे मेन मेन भी आपने देखा होगा मेन फंक्शन, एंड ऑल मोस्ट एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन बी डिफाइंड एडिशनल फंक्शंस। बेसिकली एडिशनल फंक्शंस हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यू कैन डिवाइड योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। सेपरेट फंक्शंस में अपने कोड्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हाउ यू डिवाइड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कोई इतना डिवीजन का वो कितना प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। आप बेसिकली आपका जो स्पेसिफिक टास्क है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करें, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हाउ यू डिवाइड अप योर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शंस इज़ अप टू यू। बेसिकली मैंने आपको बोला है कि आप डिवाइड कर सकते हैं अपने आप से ही, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे आप डिवाइड करना चाहें, बट लॉजिकली डिवीजन यूजली इज सच दैट ईच फंक्शंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक पास। बेसिकली आप लोगों के लिए डिवीजन तो ईजीली होगी बट उनको याद रखना है कि हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक जो टास्क है उसको लाजमी करना है या करना पड़ेगा। अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, फंक्शन डिक्लेरेशन की बात हो रही है, फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बारे में बताता है, रिटर्न टाइप के लिए एंड पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। बेसिकली बॉडी ऑफ द फंक्शन कहाँ पर होती है, आप ये याद रखें। फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन होगी, दैन फंक्शन डिक्लेरेशन की होगी, दैन फंक्शन डेफिनेशन की होगी। तो एक्चुअल जो बॉडी ऑफ फंक्शन है ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये फंक्शन डेफिनेशन एक मतलब कह सकते हैं जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन है वैसे ही फंक्शन डेफिनेशन। दी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स न्यूमरस बिल्ड इन फंक्शन दैट यू योर प्रोग्राम्स कैन कॉल। फॉर एग्जांपल फंक्शन strcat टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स, फंक्शंस मेमोरी कॉपी, ठीक है, कॉपी टू वन मेमोरी, ठीक है, लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड मैनी अदर फंक्शन। बेसिकली ये कुछ फंक्शन उसने बताए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। डिफाइनिंग अ फंक्शन, बेसिकली द जनरल फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस फंक्शन डेफिनेशन इज रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और बॉडी ऑफ द फंक्शन। बेसिकली ये कुछ होता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन है। रिटर्न टाइप क्या है, फिर जो रिटर्न करवा रहा है वैल्यू उसको, इसको देख भी लें आप लोग, लिखा हुआ है अ फंक्शन मे रिटर्न अ वैल्यू, देख लें आप, फंक्शन परफॉर्म होगा तो रिटर्न भी तो वैल्यू को करेगा। द रिटर्न टाइप इज़ द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, रिटर्न सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, इन दैट केस द रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वॉइड, इज द कीवर्ड वॉइड। बेसिकली वो कह रहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिजायर्ड होते हैं, मतलब कह सकते हैं डिजाइंड ऐसे किए गए हैं कि वो डिजाइड ए की वैल्यू देते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग रिटर्न, इन दैट केस रिटर्न टाइप इज दी वॉइड, वॉइड को हम लोग रिटर्न टाइप ले लेते हैं। अब फंक्शन नेम, फंक्शन नेम द
this is the actual name of the function name and the parameter list together, अब basically पहले first को देख लें, basically function name, जो function name हम उसको देंगे, ठीक है, function का जो name होगा उसके बाद parameter list जो हम उसको provide करेंगे वो मैं आपको आगे example बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगा कि parameter list क्या थी और functions name कहाँ पर हमने अब constitute the function's nature. Parameters is like a placeholder. When a function is invoked, ठीक है, invoked you can pass a value to the parameters. The value is referred to as actual parameters or arguments, ठीक है. The parameters is list refers to the type, order and number of parameters of function. Parameters are optional. That is, function may be contain no parameters. Basically, optional है. पैरामीटर जरूरी नहीं फंक्शन है पैरामीटर लिए ही हों जो तब ही काम चलेगा उसके बगैर भी चलता है. फंक्शन बॉडी, दी फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइंस व्हाट दी फंक्शन डज. बेसिकली फंक्शन बॉडी में ही आपको पता है कि फंक्शन बॉडी में आप बताएंगे कि वो क्या करेगा. आप बेसिकली एक दो नंबर्स हैं उनको हमने क्या किया, एक फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया, उसमें क्या कर रहा है कि दो वैल्यूज हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो रिटर्न में आपको रिजल्ट में शो करें या रिटर्न में शो करें, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे देखें इंट मेन, इंट नम वन, नम टू, देन इंट रिजल्ट उसने ले लिया. अब इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, रिजल्ट नम वन, एल्स रिजल्ट नम टू. बेसिकली इफ एल्स की कंडीशन लगाई है और उसने एक फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली फंक्शन रिटर्न का बताया कि जब वो आप लोगों की वो जब एक कंडीशन चेक करेगा तो जो उसके साथ एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इफ एल्स मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, ठीक है. ये वाला इफ एल्स जो है ना ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है. तो मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं जा रहा, सिर्फ आगे जा रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन. बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन ये देख लें डिफरेंट टाइप्स. उसके बाद लिखा हुआ है फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन. समझ आ रही है कि पहले फंक्शन नेम बताएगा और उसे कॉल कैसे करना है वो भी बताएगा, ठीक है. कॉल कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो कंडीशन दी हो कि वो उसी नेम से, फंक्शन नेम से और उसी कंडीशन से क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा. द बॉडी, द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली, ठीक है. दी जो एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली, सेपरेटली डिफाइंड किया. आप इसको देखिएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये पहले भी हमने पढ़ लिया. फॉर द अबव डिफाइंड फंक्शन मैक्स फॉलोइंग इज द फंक्शन डेफिनेशन. अब ये देख लें डिफाइंड फंक्शन क्या किया, मैक्स, और उसके बाद डिक्लेरेशन क्या कर दिया उसमें जो फंक्शन में हमने कर लिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें इंट मैक्स, इंट नम वन, नम टू. अब पैरामीटर्स नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द फंक्शन डिक्लेरेशन. Only the types is required. Basically जो types हैं वो required हैं, इसलिए हमने ये देखने ये लिख लिया. आप next देखें question लिखा है function declaration is required when you define a function in one resource file and you call it to the other file. For example अगर देखा जाए function declaration तब काम आएगी या function define तब किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक रिसोर्स फाइल को उस फंक्शन को क्रिएट किया और आप जाकर दूसरे पे आप लोग उसे क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो आते. इन सच केस यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट द टॉप ऑफ द फाइल कॉलिंग फंक्शन. बेसिकली जो कॉलिंग फंक्शन है आपने उसमें उसको कॉल करना है. पहले फंक्शन होगा, फिर फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा. अब वो डिक्लेयर कहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सोर्स फाइल के अंदर किया जा रहा है, सोर्स फाइल के बाहर किया जा रहा है. अगर बाहर किया जा रहा है तो आप लोगों ने उसको कॉल करना होगा. आप टॉप ऑफ पे फंक्शन जहाँ पर कॉल करते हैं हम लोग वहाँ पर कॉल करेंगे तो वो क्या होगा. आप इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये देखें वही नंबर वाली है. यहाँ पर देखिएगा कि फंक्शन पहले उसने क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है. नेक्स्ट उसने क्या किया, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, मतलब इंट ए ले लिया है, बी ले लिया है, जिसको हम कंपेयर करेंगे ग्रेटर कौन सा, मैक्स वाला ही है प्रोग्राम, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर देखें आप लोग कॉलिंग अ फंक्शन टू मैक्स टू गेट मैक्स वैल्यूज. यहाँ पर देखें अब ये क्या हमारे पास रिटर्न वैल्यू कर रहा है मैक्स ए बी,
देन सी आउट मैक्स इज दिस, ठीक है, रिटर्न हमारे पास कर रहा है जीरो। अब ये यहाँ पे हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने रिटर्न करवाना है, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं लगेगी तब तक वैल्यूज रिटर्न नहीं होंगी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर। तो यहाँ पे उसने ले लिया इफ नम वन नम टू देन नम वन नम टू को उसने वैल्यूज साइन किए और ये मैक्स इज 200, मतलब वो 100 और 200 में से मैक्सिमम कौन सा है 200 है। अब फंक्शन आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। इफ अ फंक्शन इज यूज्ड आर्गूमेंट इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। बेसिकली अगर कोई भी आर्गूमेंट आपने फंक्शन में यूज करना है तो आपने उसके लिए अलग वेरिएबल डिफाइन करना होगा, आपको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो उस आर्गूमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करके एक्सेस करवाएगा आगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अब ये एक डिस्क्रिप्शन है, कॉलिंग बाय वैल्यू, कॉलिंग बाय पॉइंटर, कॉलिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। तो आपने इसको देख लें आराम से, मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको क्या है। अब यहाँ देखिए कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय फंक्शन ऐसे ही है कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया एक्चुअल वैल्यूज को, यहाँ पे देख लें, द मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑफ एन आर्गुमेंट टू इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। ये कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें पॉइंटर, पॉइंटर क्या करेगा, जो एड्रेसेस हो गए उसको कॉपी कर लेगा और उसको इनसाइड द फंक्शन, द एड्रेस इज यूज टू असेस इन दी एक्चुअल आर्गुमेंट्स यूज इन दी कॉल, दिस मीन्स दैट चेंज मेड टू दी पैरामीटर इफेक्ट दी आर्गूमेंट। अगर आपने फंक्शन बाय वैल्यू में देखा हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें तो अगर कॉपी कर रहे हैं तो उन पैरामीटर्स में या फंक्शन में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, तो आप आर्गूमेंट्स को चेंज नहीं कर रहा था, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्गूमेंट्स पे इफेक्ट कर रहा है। अब कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस में ऐसे ही जैसे हम कॉपी रेफरेंसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डिटेल में आपको तब पता चलेगा अगर आपने पिछले लेक्चर सारे सुने होंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। दिस मेथड कॉपीज द रेफरेंस ऑफ एन आर्गूमेंट इनटू अ फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन, द रेफरेंस इज यूज्ड टू असेस द एक्चुअल पैरामीटर यूज्ड इन द कॉल, दिस मीन्स दैट द चेंज मेड टू द पैरामीटर इफेक्ट्स द आर्गूमेंट, इफ द रेफरेंस इज कॉपीज देन इट ऑल्सो इफेक्ट्स द रेफरेंसेज बाय पैरामीटर्स affect the references as well. If we copy the reference, यहाँ पर देखें एक और उसने डेफिनेशन दे दिया है यहाँ पर। अब डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर्स, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर्स कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर देखें प्रोग्राम लिखा हुआ है इंट सम, इंट ए इक्वल्स बी इक्वल्स एंड रिजल्ट, देन रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब रिजल्ट है इंट मेन, अब ये लॉजिकल है, यहाँ पर देखें लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है 100 200 रिजल्ट, देन वो क्या कर रहा है आपका शो करवा रहा है कॉलिंग अ फंक्शन रिजल्ट इक्वल्स टू सम। ये देख लें आप कॉल एक फंक्शन को उसने कर दिया है कि उन दोनों को सम करके ऐड कर दे। अब ये सी आउट है, नेक्स्ट सुन रहे हैं क्या लिखा है, कॉलिंग अ फंक्शन अगेन एज फॉलोज रिजल्ट इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू ए सी आउट देन दिस। अब बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, कॉल करेंगे फंक्शंस को और ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को। कैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखें फर्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 100, देन 200 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 300 होगा, देन अगेन कॉल हुआ फंक्शन को तो ये 120 आ रहा है। ये 120 कैसे आ रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या दी हुई है, हमारे पास 20 दी हुई है और a की वैल्यू हमारे पास क्या 100 है, तो 20 प्लस
100 इक्वल्स टू 120 हमें आउटपुट में वो शो कर देगा, या एज यूजुअल आप जो देख भी रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं जरा डिफाइनिंग नंबर्स इन सी प्लस प्लस, बेसिकली शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए उसने शॉर्ट एस कर दिया है, एस इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू 100, देन इस तरह वैल्यू शो बढ़ाते बढ़ाते फ्लोट और एंड पे वो उसने कौन सी वैल्यू दी है, डबल की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट में वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वे उसने बताए हैं कि जस्ट डिफाइनिंग क्या है, ठीक है, डिफाइनिंग नंबर्स कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो मैथ ऑपरेशंस, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, कॉस साइन डबल टैन, उसके बाद लॉग पावर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ मैंने आज इसको दिखाना था आपको, ये आप लोग देख लें। लास्ट टाइम मैंने वैसे पूरा आपको टेबल बता दिया था, उसमें भी काफ़ी डिफाइन किया गया था, मगर आप एक दफ़ा इसको भी देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आराम से आपसे ऊपर कर रहा हूँ, अगर कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसने अगेन उसने एग्जांपल दी है शॉर्ट लॉन्ग की, और यहाँ पर वैल्यूज देकर उसने अब क्या किया, साइन और मतलब साइन, उसके बाद ए बी एस फ्लोट स्केयर रूट, ये वो सारा कुछ क्या कर दिया यूज़ करके विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, उसने क्या किया आंसर लिया। आंसर कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट शॉर्ट लिया, शॉर्ट को डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद इंट लिया, आई से डिक्लेयर किया, माइनस 1000 लिखा हुआ उसने, हाँ माइनस 1000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसका पहले साइन, फिर एप्स, उसके बाद फ्लोर, उसके बाद स्केयर रूट और पावर, ये सारा कुछ उसने फाइंड आउट करके आपको आउटपुट में शो करवा दिया है। और यहाँ पर ये देखें ये वाली वैल्यूज और लास्ट पे वैल्यूज है, आप कैलकुलेशन में आप पे छोड़ो, आपने खुद इनको कैलकुलेट करके देखना है विद द हेल्प ऑफ टेबल विच इज़ गिवन इन योर बुक। बेटा जी आप लोगों ने उस टेबल को लाजमी देख लेना, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अगर फर्दर कोई इशू हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें एक रोल नंबर का बता रहे हैं, जस्ट रैंडम नंबर्स कैसे एक्सेस किए जा रहे हैं। बात आ जाती है एरे की, एरे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अगर ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू चलें जी, प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप है आपका नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है इसको मैं यहाँ पे देखने, और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आई थिंक सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा बेटा, लाजमी इस पर जो सुन लें, प्रोग्राम्स एग्जाम्पल्स यूज करें, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन क्या होता है, उसके बाद पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं, आर्गुमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारा कुछ आपने खुद देखना है, खुद करना है ऑनलाइन। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रोटोटाइप, और आगे रिटर्निंग कंट्रोल इट फॉलो फंक्शन प्रोटोटाइप एंड आर्गुमेंट, ये वाला हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके फाइनल फंक्शन सिग्नेचर ये सारा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।